हे एवरीवन, माय सेल्फ डीके सोनवाल, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जैनवी नर्सिंग क्लासेज जयपुर में। तो दोस्तों, काफ़ी बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट कर रहे थे, मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे थे और कुछ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मैसेज कर रहे थे। ये जे जैनवी नर्सिंग क्लासेज हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है और एक जेएनसी डिस्कशन के नाम से एक ग्रुप है, वहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो आप भी इसको ज्वाइन करोगे, उसका लिंक ऑटोमेटिक आपको मिल जाए। जैसे इसको ज्वाइन करोगे तो आपको कहेगा डू यू वांट टू ज्वाइन द जेएनसी डिस्कशन ग्रुप, तो वहाँ से आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन और जो कमेंट्स आ रहे थे वो ये था कि सर, जो यूट्यूब भर्ती आ रही है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम कैसे फॉर्म अप्लाई करें, लिंक कहाँ से मिलेंगे आपको, सर फॉर्म तो भर दिया लेकिन प्रिंट कैसे लें, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप जितना स्क्रॉल डाउन इसको करोगे या स्क्रॉल अप करो, सभी के ऑफिशियल पीडीएफ प्लस न्यूज़पेपर की कटिंग, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पीडीएफ, सारे सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएंगे और जो गूगल लिंक है वो भी आपको मिल जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जैनवी नर्सिंग क्लासेज को। और चलिए मैं एक बार किसी एक डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म है वो भर के बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, जयपुर जिले के फॉर्म का लिंक वापस ओपन हो गया है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए एक बार कीबोर्ड को हटा देते हैं, बैक चलते हैं। ओके, तो आपको सिंपली हमारे ग्रुप में जाओगे और यहाँ से इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, तो ऑफिशियल जो गूगल फॉर्म है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर का, वो खुल के आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग की यूटीयू भर्ती 2023 के आवेदन। तो यहाँ पर आपको ईमेल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, आपका मल्टीपल अकाउंट्स है तो आपको चूज कर लेना है आप किस अकाउंट से फॉर्म फिल करना चाह रहे हो। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हो स्टार का मतलब है, यहाँ पर मैंडेटरी है, आपको जो स्टार मार्क इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपका फॉर्म वो सबमिट नहीं होगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इंडिकेट रिक्वायर्ड क्वेश्चंस, तो यहाँ पर सिंपली आपको अपना नाम डाल देना है। जैसे मैं अभी मेरा नाम डाल देता हूँ, डीके सोनवाल। ओके, डीके सोनवाल डाला। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो आपका फादर्स नेम, तो यहाँ पर आप अपना फादर्स नेम डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ यहाँ पर। तो ये हो गई मेरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आपका ईमेल आईडी, जिस भी ईमेल आईडी से आप फॉर्म भरना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पर मेरा ईमेल अकाउंट डाल देता हूँ, डीके सोनवाल ब्लॉग्स, मेरा अलग से यूट्यूब चैनल है तो उसका ईमेल आईडी मैंने डाल दिया है। आप भी मेरा डीके सोनवाल ब्लॉग्स चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हो गाइज, वहाँ पर आपको शॉर्ट्स वीडियो और ब्लॉग्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, जैसे मैं मेरा एड्रेस फिल कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा एड्रेस हो गया यहाँ पर। उसके बाद में आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सॉरी मैं मेरा डालना भूल गया, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट हो गया। यहाँ पर आपको आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको शो करना पड़ेगा, आपकी कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आप अनरिजर्व से हो तो आप अनरिजर्व सेलेक्ट करिए, आप एससी से हो तो एससी, जनरल से हो जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी है। आप फिजिकल एबल्ड हो तो यस और नहीं हो तो आपका नो करना है। मोबाइल नंबर आपको अपने फिल कर देने हैं, जैसे मैं मेरे हेल्पलाइन नंबर है वो ऐड करता हूँ जैनवी नर्सिंग क्लासेज के, ठीक है, एग्जांपल के लिए। उसके बाद में आपको अपना आधार नंबर डालना है, जो भी आधार नंबर है आपका। अप्लाइंग पोस्ट, आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, एनएम के लिए, फार्मासिस्ट के लिए या टेक्नीशियन के लिए, तो नर्सिंग ऑफिसर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज से जो डाटा डाला जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन पर्पज से, मेरा राइट डाटा नहीं है। तो आप अपना डाटा है ना वो राइट डालें, मैं सिर्फ डेमो वीडियो बना रहा हूँ ये, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन आपको डालनी है, जैसे पूछ रहा है नेम ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड,
तो आपको सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड मार्क्स, ऑप्टन मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स और ऑप्टन मार्क्स, उसके बाद में सेकेंडरी एग्जाम परसेंटेज, फिर सेकेंडरी एग्जाम का बोर्ड, फिर आपको सेकेंडरी के अंदर टोटल मार्क्स, फिर ऑप्टन मार्क्स, फिर सीनियर सेकेंडरी एग्जाम परसेंटेज, फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपने GNM किया है, BSc नर्सिंग किया है तो BSc नर्सिंग, यूनिवर्सिटी का RUHS जो भी आपकी कहाँ से किया है आपने, टोटल एग्रीगेटेड मार्क एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपकी टोटल परसेंटेज क्या बन रही है नर्सिंग के अंदर, टोटल मार्क्स क्या है और ऑप्टेन परसेंटेज क्या है वो आपको यहाँ पर एग्रीगेट परसेंटेज के अंदर डालनी है। डू यू हैव RNC, RPSC, RPMC, अदर रजिस्ट्रेशन, तो आपको वो यहाँ पर डालने हैं नंबर, और आपके वैलिडिटी कब तक है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, नेम ऑफ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपीरियंस पीरियड, अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो और सिग्नेचर के लिए आपको जो भी दिशा निर्देश अपलोड करने के टाइम पे मिलेंगे उसी फॉर्मेट के अंदर आपको अपलोड करने हैं, JPG वगैरह, और यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे, सबमिट करोगे, सबमिट जैसे ही करोगे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो वहाँ से आप सिंपली प्रिंट कर सकते हो। सो इस तरीके से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो, इतने सारे गूगल लिंक दिए गए हैं, बाकी जैसे जैसे लिंक जनरेट हो रहे हैं हम आपको इसी ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हो नागौर का है, चित्तौड़ का है, उदयपुर का है, अलवर का है, बाड़मेर का है, दौसा का है, बाड़मेर का है। दोस्तों काफ़ी कैंडिडेट्स मुझे बोल रहे थे कि सर अजमेर का नर्सिंग ऑफिसर का, तो अजमेर का क्या है कि आया तो है लेकिन वहाँ पे क्या है शायद फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं है, जैसा कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। आई थिंक ये हो सकता है अजमेर, ये श्रीगंगानगर का है, चलो डाल भी देते हैं ग्रुप के अंदर और आपको बता भी देते हैं, ये टोंक का है, अभी ये डाले नहीं थे, ये कहाँ का है, ये तो नए CMHO डिक्लेयर हुए हैं, ये भी डाल देते हैं। दोस्तों मैं डाल तो सारी न्यूज दूँ लेकिन यार टाइम नहीं मिलता, इस वजह से लेट हो जाता है थोड़ा, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप हमारा ग्रुप है ज्वाइन कर लोगे, आप अच्छा रेस्पॉन्स करोगे हमें तो फिर हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि काम करो कैंडिडेट्स के लिए, जो भी बच्चे हैं उनके लिए, और जब व्यूज नहीं आते या फिर यहाँ पर मेंबर नहीं बढ़ते, अभी ये 2 के मेंबर काफ़ी टाइम से बढ़े नहीं है तो फिर थोड़ा बुरा लगता है और फिर काम करने डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो इसलिए आपको क्या हमें अप्रिशिएट करना है, कैसे, वीडियो को लाइक करके, अपने फैंस तक शेयर करके, कमेंट जरूर किया करें हर वीडियो के अंदर, आपको कोई डाउट है तो वो कमेंट करो, और यदि आपका सॉल्यूशन हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो फिर उसके रिगार्डिंग आप जो भी आप एप्रिशिएट वर्ड यूज करना चाहते हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो आई होप यू गेट इट ऑल इन्फॉर्मेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलेंगे किसी अच्छे लेटेस्ट अपडेट्स में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।